और देखिए वहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें यही कम नहीं हो रही है। वक्फ बोर्ड जमीन घोटाला मामले में ईडी की छापेमारी हुई है और छापेमारी हुई है आप विधायक अमानतुल्ला खान के घर पर। अमानतुल्ला खान से ईडी इस वक्त पूछताछ कर रही है। जमानत पर बाहर है विधायक अमानतुल्ला खान। ओखला से विधायक है अमानतुल्ला खान और देखिए उनके घर पर ईडी की टीम आज तड़के सुबह 6:30 बजे से मौजूद है और वक्फ जमीन घोटाला मामला है जिसमें पूछताछ की जा रही है अमानतुल्ला खान से। फिलहाल वो जमानत पर हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आज जो है ईडी की टीम आम आदमी पार्टी के एक और नेता के घर पहुंची और इस वक्त मैं उसी जामिया इलाके के विधायक जो है ओखला के विधायक जो है अमानतुल्ला उनके घर पर मौजूद हूं जहां पर ईडी की टीम जो है वो सुबह 6 बजे के आसपास पहुंची। बताया जा रहा है कि 4 लोगों की टीम है ये जो इस वक्त लगातार छानबीन कर रही है। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो वक्फ बोर्ड के में जो वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत थी उसके आधार पर पहले एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस संबंध में FIR दर्ज की थी और उस संबंध में फिर रेड करके बाकायदा अमानतुल्ला के घर से कुछ नकदी भी बरामद हुई थी और उसके बाद अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि 16 दिनों के बाद अमानतुल्ला खान को जमानत मिल गई थी। देखिए बाहर जो है काफ़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा भी तैनात है जिसमें दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात हैं। लिहाजा देखिए ईडी की टीम जो है फिलहाल अभी घर में मौजूद है और लगातार पिछले कुछ घंटों से छानबीन चल रही है। दरअसल ये जो पूरा वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ वित्तीय अनियमितताओं का जो मामला था उस संबंध में जो एंटी करप्शन की जो जांच थी उसमें कुछ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए जो साक्ष्य मिले थे जिसके बाद यहां पर ईडी की टीम उसी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामले की जाँच के लिए पहुँची और फिलहाल यहाँ पर जो ईडी की टीम है वो घर में ही मौजूद है। तमाम जो घर के सदस्य हैं उनसे भी जानकारी मांगी जा रही है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी छानबीन की जा रही है और फिलहाल ये ज़रूर लग रहा है कि पहले संजय सिंह की गिरफ्तारी और उसके बाद अब अमानतुल्ला पर ईडी का छापा, इससे ये ज़रूर दिख रहा है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। क्या सुनील के साथ विमल कौशिक, News24 दिल्ली। और चलिए मेरे साथ विमल कौशिक सीधा जुड़ रहे हैं अमानतुल्ला खान के घर के बाहर से जहां ईडी की टीम मौजूद है और वहां पर छापेमारी चल रही है। तो विमल अभी क्या तस्वीर वहां की और कितना वक्त लगेगा और क्या कयास लगाए जा रहे हैं और साथ ही पूरा मामला भी बताइए जिस मामले में रेड करने पहुंची है ईडी की टीम। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सुबह 6:15 बजे के आसपास ईडी की टीम केवल यहीं पर नहीं जो अमानतुल्ला खान का घर है और यहीं पर एक दफ्तर भी, इसके अलावा कुल मिलाकर 13 ऐसे ठिकाने हैं जिसमें अमानतुल्ला खान के कुछ करीबी भी शामिल हैं। उनके जो इस दफ्तर के अलावा जो दूसरा दफ्तर है वहाँ पर भी ईडी की टीम जो है वो पहुँची है और दरअसल ये पूरा मामला अगर मैं बताऊँ, देखिए पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ, घर के बाहर मीडिया का भी जमावड़ा है, लोगों का भी जमावड़ा है और सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर तैनात है। ये पूरा जो मामला है पिछले साल प्रकाश में आया था जब एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस संबंध में एक FIR दर्ज की थी, जब अमानतुल्ला खान जो है वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे उसी दौरान उन पर कुछ वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगा था कि उन्होंने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए कुछ वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को रेंट आउट किया था, किराए पर दिया था और उसके बाद जो उन जो रेंट से कमाई हुई उसको लेकर उन्होंने कोई भी वो कमाई दिखाई नहीं, कहीं पर भी वो पैसे को दिखाया नहीं, तो पैसों की हेराफेरी के आरोप थे जिसके बाद एंटी करप्शन ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू की और बाकायदा अमानतुल्ला खान की 16 सितंबर को गिरफ्तारी हुई। हालांकि इसके कुछ ही दिनों बाद जो राउज एवेन्यू कोर्ट है उन्होंने अमानतुल्ला खान को जमानत दे दी और साथ ही साथ जो जाँच एजेंसी है उसको फटकार भी लगाई थी कि जांच एजेंसी ऐसे कोई सबूत पेश नहीं कर पाई जिसको लेकर जिस तरीके आरोप लगाए जा रहे थे अमानतुल्ला खान पर कि वो किसी तरीके से सिद्ध हो सके, जिसको लेकर जब अमानतुल्ला खान को जमानत इस पूरे मामले में मिल चुकी है लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए थे जिसमें कुछ ऐसी जानकारी मिली थी कि पैसों की हेराफेरी की गई और न सिर्फ पैसों की हेराफेरी की गई बल्कि हवाला के जरिए कहीं बाहर भी भेजा गया, तो इसको लेकर अब मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच करने के लिए फिलहाल ईडी की टीम केवल यहीं पर नहीं बल्कि जो 13 अलग अलग ठिकाने हैं वहां पर ईडी की टीम जो है इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। जी ठीक है विमल, आप लगातार बने रहिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। तो यानी छापेमारी जारी है ना सिर्फ अमानतुल्ला खान के घर बल्कि उनसे संबंधित जो 13 ठिकाने हैं वहां भी ईडी की टीम छापेमारी लगातार चल रही है।